एक मिनट दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ राजस्थान नर्सिंग भर्ती 2018 में चयनित 12,000 नर्सिंग कर्मचारियों जिनकी सूची जिनमें से 9,000 कर्मचारियों की सूची दिनांक 28/7/2020 को जारी की गई थी लेकिन आज दिनांक तक उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। मैं मीडिया के माध्यम से राजस्थान सरकार तक कई बार इस बात को पहुंचा चुका हूं। पूर्व में भी जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन आज तक चिकित्सा विभाग बिल्कुल भी सतर्क नहीं है। कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन जारी अभी तक नहीं की गई है। संपूर्ण राजस्थान में कार्यरत संविदा नर्सिंग कर्मचारी जो कोविड-19 के चलते अपनी जान की बाजी लगाकर लगातार चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं उनकी कहीं भी किसी प्रकार की नियुक्ति आज दिनांक तक नहीं दी गई है। कार्यमुक्त संविदा कर्मचारी एवं बेरोजगार नर्सेज को अगर नियुक्ति दी भी गई है तो उनकी गाइडलाइन में ये क्लियर कहा गया है कि आपको सिर्फ अस्थायी तौर पर रखा गया है। न्यायालय के अध्याधीन लगभग 3,500 पदों को रिजर्व रखा गया है जबकि न्यायालय में उनका लगभग निस्तारण हो चुका है। मैं माननीय मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जिन साथी जो कोविड-19 के चलते लगातार चिकित्सा सेवा दे रहे हैं उनको नियमित नियुक्ति देते हुए दिनांक 29/4/2020 से उनके परीक्षा काल की स्पष्ट गाइडलाइन जारी करें। आज संपूर्ण राजस्थान में काली पट्टी बांधकर राजस्थान के संविदा नर्स से राजस्थान सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि आज वो स्थिति आ चुकी है कि मजबूरन हमें काली पट्टी बांधनी पड़ रही है। अगर जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन को उग्र भी करेंगे और इसकी जिम्मेदारी समस्त राजस्थान सरकार की होगी। माननीय चिकित्सा मंत्री मुख्यमंत्री जी जल्द ही इस कार्य को गंभीर लेते हुए इसका निस्तारण करवाएं जिससे कि राजस्थान के संपूर्ण नर्सेज में दिनांक 12 मई जो नर्से दिवस के रूप में मनाया जाता है खुशी का माहौल हो सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो संपूर्ण राजस्थान में नर्से दिवस को विरोध के रूप में काले दिन के रूप में मनाया जाएगा।